राष्ट्र कब बसता है। यदि मैं शास्त्रों की भाषा में, ऋषियों की भाषा में कहूं तो राष्ट्र तब बसता है जब राष्ट्र के अंदर धर्म की स्थापना हो जाती है, और जब धर्म की स्थापना होगी तो लोग अधर्म से बचेंगे, पाप करने से बचेंगे। इसलिए जहां पर धर्म को सर्वोपरि मान करके वहां के रहने वाले स्त्री पुरुष धर्म को अपना सब कुछ मान करके रहते हैं, उस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए किसी को शस्त्र हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं है। यदि धर्म का स्थान मजहब ले लें, धर्म का स्थान मत ले लें, धर्म का स्थान किसी व्यक्ति के द्वारा चली हुई अपनी नीति ले ले, तो फिर वहां पर विनाश हो जाता है। जहां पर जातिवाद फैल जाता है, जहां पर अधर्म फैलता है, जहां पर पाखंड फैलता है, जहां पर अंधविश्वास फैलता है, वो राष्ट्र फिर बिखर जाता है। यदि मैं संत रविदास जी के शब्दों में आप लोगों के बीच में कहूं, महात्मा संत रविदास जी ने बहुत जोर लगाए, उस समय मुसलमानों का शासन था, उनका जनेऊ और चोटी उतारने के लिए उनको सेनापति भेजे गए अपने, उनको लालच भी दिया गया, उनको डराया भी गया। लेकिन जिस समय महात्मा संत रविदास जी के पास जाकर के मुस्लिम सेनापतियों ने कहा कि बादशाह ने आपको बुलाया है, और उन्होंने ये कहा कि जनेऊ और चोटी उतार करके तुम इस्लाम को धारण कर लो, मेरे घर की बात नहीं, उनकी वाणी को पढ़ो, वहां महात्मा संत रविदास जी क्या लिखते हैं, वेद धर्म को छाड़ी कर मैं क्यों पढ़ूं कुरान, मैं तो वेद को अपना धर्म मानता हूं, वैदिक धर्म को मानता हूं, उसे छोड़कर के कुरान इस्लाम को कैसे धारण कर सकता हूं। और जब हिंदुओं के अंदर जातिवाद का जहर फैला हुआ देखा तो महात्मा संत रविदास ने अपनी वाणी में लिखा था, अरे हिंदुओं तुम्हारी दुर्दशा हो रही है, तुम मिट रहे हो, इस जातिवाद को छोड़ो। और उस समय उन्होंने एक दोहा लिखा था कि हिंदुओं की वो स्थिति है जैसे केले के पात पात में पात, जैसे कवियों की बात बात में बात। और क्योंकि बनारस की साइड उधर के रहने वाले थे तो वहां ब्रिज की भाषा का पुट था उनकी भाषा में, आगे उन्होंने लिखा जैसे गधियन की लात लात में लात, और यूं हिंदुओं की जात जात में जात। तो भाई आर्य समाज तो उन महापुरुषों की वाणी को आगे बढ़ा रहा है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने अपने अमर ग्रंथ सत्या प्रकाश के अंदर इन सभी संतों का, इन महापुरुषों का बड़ा मंडन किया है, बड़ी प्रशंसा की है। और आर्य समाज हमेशा अच्छे लोगों का सम्मान करता है, और आर्य समाज जातिवाद के बिल्कुल 110% विरुद्ध है। इसलिए आर्य समाज के बारे में कोई गलत धारणा अपने दिल में ना बिठा ले भाई। हमारे कुछ भाई नाराज हो गए थे, कोई शब्द जल्दी जल्दी में मेरे से निकल गया था। मैं निवेदन करता हूं, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी कि भाई मैं कोई किसी का दिल दुखाऊं, क्योंकि आर्य समाज का मिशन एक ऐसा है जो आर्य समाज कहता है कि सत्य को ग्रहण करो और असत्य को छोड़ो। आर्य समाज संविधान का भी मान सम्मान करता है, संविधान लिखने वालों का भी मान सम्मान करता है, और फिर भी अगर कोई शब्द मेरे मुख से जल्दी जल्दी में ऐसा कोई निकल गया हो, जिन भाइयों को थोड़ी नाराजगी हुई है वो अपने हैं, अपनों से तो भाई माफी मांगने में कोई हर्ज नहीं है ना। मान लो कोई ऐसी गलती हुई है तो यहां बैठे हो या आवाज उन तक जा रही हो, तो भाई मैंने अगर कोई ऐसा शब्द कहा तो उनको वापिस लेता हूं, मैं उस बात की क्षमा प्रार्थी हूं, माफी चाहता हूं। क्योंकि आर्य समाज ने, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने लाखों उन भाइयों को शुद्ध किया था जो पहले अपनी जाति लिखते थे, लेकिन आज वो अपने पीछे आर्य शब्द लिखते हैं। आप पानीपत में जाओ, सीवन में जाओ, पूरे के पूरे गांव जो हैं जिनको लोग और शब्दों से पुकारा करते थे, लेकिन आर्य समाज ने, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने उनको आर्य शब्द दिया। और मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं भाई,
जो हमारे भाइयों कहते हैं कि हम मूल निवासी हैं इस देश के, तो मूल निवासी अपा सारे हैं, क्योंकि ऋग्वेद की सूक्ति है, परमात्मा कहता है अहम भूमि में ददा मारिया, ये भूमि में आर्यों को देता हूं। आर्य मैंने श्रेष्ठ, आर्य को जाति तो है नहीं, आर्य तो एक संगठन का नाम है, आर्य मैंने श्रेष्ठ, आर्य मैंने सज्जन, आर्य मैंने ईमानदार, आर्य मैंने भला आदमी, आर्य मैंने सज्जन आदमी। इसलिए जो भी सज्जन है वो सारे आर्य हैं, और आर्य ही इस देश के मूल निवासी हैं। ये तो आज से 2500 वर्ष पहले जैनियों ने जातिवाद खड़ा किया हमारे बीच में, आज से 2500 वर्ष के पहले के किसी ग्रंथ में किसी जाति का नाम नहीं है। इन्होंने आबू पर्वत के ऊपर बैठ करके वहां पर ये गड़बड़ की थी, जो जैसा काम करता था उनको जातियों में बांट दिया, आपस में लड़ाने का काम किया। फिर इस्लाम यहां पर आया, उन्होंने इसका फायदा उठाया, अंग्रेज यहां पर आए, उन्होंने इसका फायदा उठाया, और हमें आपस में लड़ा करके, हमें आपस में झगड़ा करवा करके उन्होंने अपना उल्लू सीधा किया है। इसलिए आर्य समाज तो राष्ट्र रक्षा की बात करता है, आज सम्मेलन भी राष्ट्र रक्षा है ना, राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी भाई, राष्ट्र की रक्षा करेंगी ये मेरी बहने माताएं, राष्ट्र की रक्षा करेंगे आप लोग मिलकर के, राष्ट्र की रक्षा करेंगे मेरे ये छोटे छोटे बच्चे, जब इनके अंदर राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भावना भरी जाएगी तब राष्ट्र की रक्षा होगी। और एक बात सुनो कान खोल करके, जब तक मनुष्य अविद्या में फंसा हुआ है, अंधविश्वास में फंसा हुआ है, रूढ़िवादियों में फंसा हुआ है, लकीर का फकीर बन करके रहेगा, तब तक राष्ट्र की रक्षा करने की भावना उसके मन के अंदर नहीं आएगी। वो आवाज कितनी भी मारे, और देखो यदि मैं अपने इन पौराणिक भाइयों की बात को मान करके चलूं, ये तो नुके किसी ने रक्षा करने की जरूरत नहीं। हमने कहा भाई क्यों, बोला जब गड़बड़ होगी ना परमात्मा अपने आप अवतार लेकर आ जाएगा। जैसे गीता के उस श्लोक का गलत अर्थ करते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य गला निर्भवति भारता, वहां कहते हैं कि कृष्ण जी महाराज कहते हैं जब भी धरती के ऊपर पाप बढ़ेगा तब तब भगवान यानी मैं, वहां पर कृष्ण को भगवान कह दिया इन्होंने, बोले जब मैं अवतार लेकर के आऊंगा। ये बात बिल्कुल झूठ है, गप है, गपोड़ा है, क्योंकि परमात्मा को अवतार लेने की, मनुष्य के रूप में आने की कोई जरूरत नहीं है भाई। वो शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, वो हमारे कर्मों का फल देता है। अर्जुन यूं कहे भाई भगवान अवतार लेकर आवेगा, आज जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं अब पाप थोड़े हो रहे हैं क्या? इसलिए एक भजन लिखा था मैंने, आओ सुनो ध्यान से। भाई लेगा कब अवतार यार, आजकल भी एक अवतार पैदा हो रहा है, धीरेन्द्र शास्त्री है, वो न्यू कह रहा बस अब मैं सुधारूंगा सारी दुनिया ने, मैं अवतार लेकर के आया हूं। इन पाखंडियों ने देश को समय समय पर बर्बाद किया है लोगों। आर्य समाज ऐसे पाखंडियों का विरोध करता है हमेशा, और अब भी करता रहेगा, आगे भी करता रहेगा। आर्य समाज तो सत्य को सत्य कहता और असत्य को असत्य कहता है। इसलिए मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं जो रोज मंदिरों में आवाज लगाते हैं भगवान अवतार लेकर आएगा, मां कब से आओगा भाई, फूलमाला तैयार रखा हम उस खतरे, बता तो दो, हिरनेगा कब अवतार यार, भगवान ये कोई बता दो रे, या फिर झूठ बोलते हो इस दुनिया को बतला दो रे,
या फिर झूठ बोलते हो, दुनिया को कौन सुना दो रे। बुराई बढ़ेगी ना जब आओगा भगवान अवतार लेकर, मगर भाई बुराइयां में कमी रह रही है इस समय, कोई इतनी बुराई फैल रही। सुनो, आज भाई का गढ़ भाई कटे के इससे ज्यादा होगा पाप, लेकर कर्ज तुरंत हीरे नटे के इससे ज्यादा होगा पाप, दुखिया का कोई दर्द न बनते के इससे ज्यादा होगा पाप, ओरा के ही अब गुण छंटे के इससे ज्यादा होगा पाप, ओरा के ही अब गुण छंटे के इससे ज्यादा होगा पाप। कटती हुई तुम झूठ बोलते हो इसमें दुनिया को बोल बता दो रे। निकलने से पहले अपने देश में लगभग 70,000 गौएं काट दी जाती हैं। कब आओगा भाई अवतार लेके? जब ये सारी गौएं समाप्त हो जाएंगी धरती के ऊपर से, तब अवतार लेकर आएगा क्या? आज भाई भाई की हत्या कर रहा है, इससे अधिक धरती के ऊपर पाप और भी इंतजार कर रहे होगे, इससे ज्यादा भी फैलेगा है? भाई का गढ़ काटना है घेरे। अब भाई जब भाई ना भाई खावेगा तब मानोगे क्या पाप ज्यादा फैल गया? इसलिए इतना धरती के ऊपर पाप फैल रहा, पता नहीं कब आओगा ये भोला बाबा अवतार ले गए भाई, पता नहीं आओगा कब ये कृष्ण महाराज अवतार ले गए हैं, कब आओगा भगवान अवतार लेके। इसलिए ये है झूठ, ये है ढोंग। और सुनो क्या क्या फैल रहा। आज शर्म तार के दूर धरी, माँ बापा के दे जूते मार, शर्म तार के दूर धरी भाई, माँ बापा के दे जूते मार, पी के शराब बहु ने पीते, बेटी की ले इज्जत तार, ससुरा और जमाई पीवे संग में पीवे रिश्तेदार, और बेटा बाप ने न्यू बोलिया तू और गाल दे रे मेरे यार, बेटा बाप ने न्यू कह रहा तू और गाल दे मेरे ठेके साथ मैं आखे खुल गए, ठेके साथ मैं आते खुल गए, कोई ताला आने लगा दो रे, या फिर झूठ बोलते हो दुनिया बोल बता दो रे। अरे बापू बेटा कट्ठी पीन लाए गिरे, ससुरा जमाई कट्ठी पीन लाए गिरे, डीजे आगे सारा कुणबा नाचन लाए गिरा पी के, गुड़चड़ी हो रही जवान छोरे की,
जवान जवान छोरे शराब की बोतल हाथ में लेके डीजे आगे नाचे और गाना गा रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। हमने सोचा चलो भाई जवान इनके यार की शादी है, नाच रहे। इतनी देर में एक जवान छोरी आएगी डीजे आगे, हमने वो अभी नाच रही, माँ कौन है रे? बोलिया जी इस बनडे की बहन है, बहन है, बहन नाच रही। और बहन ने भी गाना यू उठा रहे कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। ए मखा बावली तेरा तो भाई लग गए है यू है? 70 साल की बुढ़िया ली डीजे आगे रे लोगो। पहला तो दूर खड़ी खड़ी देख रही थी, हाथ में डोगा ले रही, आंखियां पे चश्मा ला रही, वो मोटे शीशे का जनो पुलिस आने की जीप खड़ी है, हैं? या भी न्यू बाट देख रही, तेरा भी मौका लायक जा तो देख ले। और मौका लायक डीजे आ गया भी बढ़ गई, डोगा किते चश्मा किते खुद दल लायक रही, आज मुझे यार की शादी है, आज मुझे यार की शादी है, हैं? मगा दादी तेरे आने के तो पीपल भी सूख लिए, तेरे भी यार की शादी है गे? और बताओ भाई इस तरह ज्यादा पाप बढ़ने की और के बाट देख रहे हो? गऊ भैंस पालनिया न, घोड़े घोड़े घोड़ी पालनिया न, मुर्गी फार्म खोल लिए और कौन सा पाप देखोगे? मुर्गी फार्म खोल रहे गामा में लोग, सारी रात नहीं सुन दंदी मुर्गी बने और रखा पपा पा 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 है? और पाप की बाट देखो हो, जोड़ खोद लिए कही ना तो खेत में, और खोद का पानी भर के सिंगाड़े को नहीं बोए मछली बो रे, तड़के जाल गे रे जमींदार गे बालक। मखारे के करो हो? बोले जी जल की तोरी काटने है, मछलियों को जल की तोरी बतावे लोगों। और बरसात का मौसम था, पीड़े पीड़े मेंढक बैठे थे किनारे पे, मखा करेले क्यों छोड़ दिए? बोले जी करेलिया ना फिर देखेंगे, पहले इन्हें तोरिया ना सपड़ा लिया। और फिर बिनु कह पाप बढ़ेगा जब आओगा अवतार लेके भगवान, और भी देख रहे बाट पाप की, और सुन लो कितना पाप बढ़ रहा लोगों। भाई कन्या बहन बहु बेटी कोई नहीं अकेली जा सकती, छोर ही गांव में गंदे गाने शर्म इन्हें ना आ सकती, पाप डरे इज्जत का मारिया ना मात इन्हें धमका सकती, छोरे भी बाहर हुए आपे ते ना अच्छी बात सुहा सकती, छोरे बाहर हुए आपे ते बिन रिश्वत कोए काम चले ना, बिन रिश्वत कोए काम चले ना, कोई पहरा उड़े बिठा जोरे बोलते हो रे इसे दुनिया को समझा जोरे। अच्छा भगवान को अवतार ले कान की के जरूरत भाई? जब पहले इस देश में बैठे हुए पतरा देखने वाले, हाथ देखने वाले तांत्रिक न्यू बताए देवा न्यू होनाला है,